नमस्ते बच्चों, लास्ट टाइम हमने देखा कि हाउ टू कंपेयर द रैशनल नंबर। हमने रैशनल नंबर का कंपैरिजन देखा। रैशनल नंबर का कंपैरिजन अगर आपको अभी भी नहीं आ रहा है, उसमें अभी भी डाउट है, तो वो लोग वीडियो लास्ट में जाके देखें। अभी इस वीडियो में यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। आपको जैसे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रैशनल नंबर का कैसे निकालते हैं। जैसे ये 7 अपॉन, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालना है तो कैसे निकालना है, डिवाइड करना है। क्या करना है उसको, डिवाइड करना है। 7/6, तो ये आंसर आता है। तो इसके लिए, ये डिटेल में देखने के लिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूँ और हम देखते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेसिमल और डेसिमल के टाइप कैसे कनेक्टेड है रैशनल एंड इरैशनल नंबर से। मतलब रैशनल एंड इरैशनल नंबर का और एक डेफिनेशन आपको मिल जाएगा इससे, कनेक्टेड टू द डेसिमल, अकॉर्डिंग टू द डेसिमल्स। तो हम यहाँ पे देखेंगे डेसिमल्स। ये डेसिमल्स है, डेसिमल्स। तो डेसिमल्स के कितने टाइप है, दो टाइप है डेसिमल के। यहाँ पे एक लाइन निकाला है और यहाँ पे एक, यहाँ पे देखो एक डेसिमल के टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन से, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। डेसिमल्स के टाइप, टर्मिनेटिंग डेसिमल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 3/8, आप 3/8 लेके देखिए। 3/8 को आपने अगर डिवाइड करने की कोशिश की, यहाँ पे अगर 3 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 से 3 को डिवाइड नहीं होता, इसलिए हम 0 पॉइंट लेंगे। देन यहाँ पे 0 दे देंगे, 8 3 24, तो 30 - 24 कितना आया है, 6 के ऊपर और 0 लेंगे, 8 7 56, तो 60 - 56 कितना आता है, 4 के ऊपर और 0 लेंगे, 8 5 कितना आया, 40, तो 40 - 40 क्या हो गया, 0। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या हो गया, रिमाइंडर। एक केस आया कि वहां पे क्या हो गया, रिमाइंडर बिकम 0। इस साइड में आपने देखा कि रिमाइंडर बिकम 0। रिमाइंडर एक केस आया, रिमाइंडर एक ऐसी कंडीशन आया, एक ऐसा सिचुएशन आया कि उस स्टेप पे आपका रिमाइंडर 0 हो रहा है। आपने देखा कि आंसर आ गया आपका 0.375, मतलब आंसर टर्मिनेट हो रहा है, इसके आगे आंसर नहीं जा रहा है, दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अभी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में हम देखेंगे, उसमें और दो टाइप आते हैं, उसमें फर्स्ट टाइप है रिकरिंग डेसिमल। अभी ये कौन से डेसिमल से टर्मिनेट नहीं होते और रिकरिंग होते, कौन से है, मैं आपको 10/3 का एग्जांपल दूंगा। मैं अगर 10 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 3 9 आएगा, यहाँ पे आएगा रिमाइंडर 1 के ऊपर, 1 को 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0 ले लेंगे, 3 3 9, तो 10 - 9 अगेन 1, 1 के ऊपर अगेन 0, तो 3 3 9, मतलब यहाँ पे 3.3333 ऐसे आंसर आता ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, उसको ही क्या बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिमाइंडर बिकम 0, वहां पे रिमाइंडर क्या बन गया था, 0, यहाँ पे आप देखोगे कि रिमाइंडर नेवर बिकम 0, यहाँ पे क्या होता है, रिमाइंडर never become 0, यहाँ पे remainder 0 नहीं होता है। यहाँ पे terminating decimal में हमने देखा कि answer terminate हो रहा था, यहाँ पे non-terminating decimal नाम क्यों दिया, क्योंकि remainder 0 नहीं बनता है और उसके लिए, उसके accordingly उसका जो question है वो भी terminate नहीं होता है, that's why that is non-terminating decimal, उसका answer terminate नहीं होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब आता ही रहता है। लेकिन उसमें जो रिपीट होता है, अगर कोई सेम डिजिट, दो डिजिट या तीन डिजिट एक साथ ऐसे रिपीट हो रहे हैं, तो उनको क्या बोल रहे हैं, रिकरिंग डेसिमल। मतलब आंसर में पॉइंट के बाद कुछ डिजिट, स्पेसिफिक कुछ डिजिट
रिपीट हो रहा है, जैसे 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, 4 डिजिट रिपीट हो रहा है, यहाँ पे एक ही डिजिट 333 रिपीट हो रहा था, दैट मीन्स इट इज रिकरिंग डेसिमल। और दूसरा आता है नॉन रिकरिंग डेसिमल। दूसरा कौन सा है? नॉन रिकरिंग डेसिमल। कैसे आता है नॉन रिकरिंग डेसिमल वो भी बताता हूँ। नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। आप स्क्वेयर रूट ऑफ 2 का वैल्यू निकालोगे, स्क्वेयर रूट ऑफ 3 का वैल्यू निकालोगे, या स्क्वेयर रूट ऑफ 5 का वैल्यू निकालोगे, तब आपको अगर स्क्वेयर रूट ऑफ 2 का वैल्यू कैसे निकालना है ये देखना है, तो उसके लिए मेरा एक अलग से वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हो। स्क्वेयर रूट ऑफ 2 का, स्क्वेयर रूट ऑफ 3 का, स्क्वेयर रूट ऑफ 5 का अगर वैल्यू आपने निकाला, तब आपको पता चलेगा कि द रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो। और एक खास बात है कि उसमें आंसर टर्मिनेट तो नहीं होता है, लेकिन रिपीट भी नहीं होता है। मतलब एक सेम पैटर्न में आंसर रिपीट नहीं होता है। आंसर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, दो टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग में। एक ये टाइप है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और ये दूसरा टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। रिकरिंग में आंसर रिपीट होता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में आंसर रिपीट नहीं होता है। तो और अकॉर्डिंग टू दिस, और अभी मैं इसको रिलेट करता हूँ रैशनल एंड इरैशनल नंबर से। मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ लाइन, यहाँ पे देखो एक ऐसे ड्रॉ लगी है मैंने राइट। इस साइड के नंबर आते हैं इरैशनल, मतलब जिनका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग फॉर्म में आता है, इसलिए वो है इरैशनल। आपने देखा होगा जब भी कोई इरैशनल नंबर आपको पढ़ाया गया है, मैंने भी पढ़ाया है, तो मैंने आपको एग्जांपल दिए होंगे इरैशनल नंबर के, तब बताया होगा कि स्क्वेयर रूट ऑफ 2 इरैशनल है, स्क्वेयर रूट ऑफ 3 इरैशनल है। तो क्यों इरैशनल है? बिकॉज उसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप का डेसिमल एक्सपांशन है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज irrational number, second definition of irrational number. That means the number for which their decimal expansion is in the form of non-terminating, non-recurring decimal. जिनका decimal expansion non-terminating, non-recurring decimal के form में आता है, उनको बोलते हैं irrational number. अभी कौन से number बच गए? आपने देखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है रैशनल नंबर। कौन से नंबर बोला जाता है? रैशनल नंबर। आप देखो कि जिनका डेसिमल, अभी रैशनल नंबर का भी डेसिमल के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो बताता हूं। जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में, आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल के फॉर्म में है, उनको बोलते हैं रैशनल नंबर। उनको कौन से नंबर बोलते हैं? रैशनल। आप डेसिमल एक्सपांशन देख के भी अभी बता सकते हो कि रैशनल नंबर कौन से और इरैशनल नंबर कौन से। आपको नंबर लाइन, आपको एक्सरसाइज में, शायद मैं अभी वापस आपको एक्सरसाइज के ऊपर लेके जाता हूँ। यहाँ पे आपको एक्सरसाइज में आप देख सकते हो प्रैक्टिस सेट दिस 1.3। यहाँ पे आपको कुछ नहीं बताया गया है, बस आपको डेसिमल एक्सपांशन निकालना है। क्या निकालना है? डेसिमल एक्सपांशन कैसे निकालेंगे? ये इसका कैसे निकालेंगे? 9/14, तो 9 को 14 से डिवाइड करो और वो निकालो, इसका निकालो। और डेसिमल प्लेसेस कितने लेना है पॉइंट के बाद? अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर करो। कुछ नंबर्स का डेसिमल एक्सपांशन आप देखोगे कि वो आपको दिखाई देगा कि दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो टर्मिनेट नहीं होगा, इसलिए आपको 4 डिजिट तक ही आंसर करना है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक। ये प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करो, उसके बाद इरैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर कैसे निकालना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके दोस्तों को भी बताइए। मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा इरैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करना है उसके लिए, और वो होने के बाद हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।